ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशीभिभूषितकरा नवनीर्दाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरामुखारविन्दनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहमना जाने। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। आप सभी को राम राम और स्वागत है। मैंने कहा इंडियन एफएम के इस वीडियो में मैं हूं आपका साथी प्रनील। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पुनीत पर्व चल रहा है और हम चौथे तिथि में आज प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, चौथा तिथि आज है, सोमवार को, पांचवा मंगलवार को, छठा बुधवार को, सातवा बृहस्पतिवार को और अष्टमी तिथि शुक्रवार। तो चौथे तिथि में हम प्रवेश कर चुके हैं और बहुत कुछ कथा आज हमको श्रवण करना है, हम प्रयास करेंगे। और जैसे मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी कथाएं हैं, एक से लेकर 12 स्कंद तक, हम आप को सभी कुछ ना कुछ संक्षेप में श्रवण कराने की हम प्रयास करेंगे। चले आरंभ करते हैं। तो आज हम 10वें स्कंद में ही हैं, उसका जो पूर्वार्ध है उसी में हम है, 10वां स्कंद का जो पहला पाठ है उसी में है। तो यहाँ पर कथा कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण जी द्वारा धेनुकासुर का उद्धार एवं कालिदह में मृत गौओं एवं गोप बालकों की रक्षा करना। श्री कृष्ण द्वारा कालियदमन कालियनाग की कालिदेह में आने की कथा। श्री कृष्ण का व्रज वासियों को दावग्नि से बचाना और बलराम द्वारा प्रलम्बासुर का उद्धार और श्री कृष्ण का वनाग्नि पी लेना। तो बहुत सुंदर है, एक भजन याद आ रहा है इस काली देह के जब कथा हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा। हो श्री कृष्ण ने ठोना मारा गेंद गिरा जमुना धारा प्रगटे गेंद पताल भयो अफसोस करे घर की बाला काली दा में कुदा कन्हैया जाए द्वार तोड़े ताला प्रगट भय वासु के द्वारे मोर मुकुटा मुरली हो आला। तो बहुत सुंदर ये भजन है। आगे हो मोर मुकुट मुरली वाला हा मोर मुकुट मुरली वाला खेली रे गेंद मोहन नंद लाला हा खेली रे गेंद मोहन नंद लाला। बड़ा सुंदर भजन है। तो हम प्रयास करेंगे शायद एक दो वर्षों बाद कुछ हम इसे ऑर्गेनाइज करें, जहाँ पर जो, क्योंकि भजन मेरे पास बहुत है, खासकर श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उस पर, तो उसका हम स्पेशल हम कर सकेंगे। ये सब ध्यान में हम रखते हैं। तो आगे हम सुनते हैं कि वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन और श्री कृष्ण के बरसाती खेल, वेणु गीत, गोपियां का, माता कात्यायनी देवी का व्रत करना और भगवान श्री कृष्ण की चीरहरण लीला। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लीला है कि चीरहरण जब वो करते हैं, वो गोपियों को समझाते हैं कि जल में जाने से पहले पूरा वस्त्र उतारा नहीं जाता। उसका भी एक भजन है, याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका उसका भी भजन है। भगवान के आग्रह से भूखे ग्वाल बालों का यज्ञशाला में जाकर भोजन मांगना, इंद्र की पूजा रोक कर श्री कृष्ण का गोवर्धन पूजा
सलाह देना। यहाँ पर भी सुंदर भजन है कि नख पे गोवर्धन धारियो श्री कृष्ण अवतार। जब इंद्र कोप करत है तो है भजन, हो ब्रिज पे कोप करे हैं सुर राई, हा ब्रिज पे कोप करे हैं सुर राई, कोप करे हैं सुर राई, हा ब्रिज पे कोप करे हैं सुर राई, हो मेघर को बुलवाए इंद्र ने दीना हुकुम सुनाई। ऐसा भजन है। तो इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण। हो गिरना पड़े गिरवर है भारो, गिरना पड़े गिरवर है भारो, गिरवर है भारो, गिरवर है भारो, गिरना पड़े गिरवर है भारो। बहुत सुंदर जो कृष्ण की, श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं, उनका भजन बहुत बहुत सुंदर, उसका आनंद अलग है। तो इंद्र का कोप और श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण, गोपों का नंद को श्री कृष्ण का महात्म्य बताना, कामधेनु और इंद्र के द्वारा श्री कृष्ण का अभिषेक, श्री कृष्ण का नंद बाबा को वरुण लोक से आना। तो यहाँ पर जो ग्वाल बाल हैं वो यशोदा माँ और नंद जी को कई बार वो बतलाते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है वो कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन नंद जी और यशोदा जी वो ये बात मानना नहीं चाहते। शायद वो सोचते हैं कि हमारा पुत्र ही है। तो जो गोप गोपिका है हर समय यह याद दिलाते हैं नंद बाबा जी को और माता यशोदा को। आगे हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का रास के लिए गोपियों से बातचीत। उन्मत्त गोपियों द्वारा श्री कृष्ण का अन्वेषण दर्शन की अभिलाषा कर रही गोपियां द्वारा भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करना गोपी गीत। भगवान का प्रकट होना तथा गोपियों को संतावना देना श्री कृष्ण का गोपियों के साथ महारास क्रीड़ा। ये तो बहुत विशाल कथा है, जो रास लीला वो श्री कृष्ण जी भगवान करते हैं। और कीर्तन भजन में फिर भी ऐसे आता है कि एक एक गोपी के साथ, हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। तो हो राधा कभी कृष्ण, कभी कृष्ण है राधा, हो राधा कभी कृष्ण, कभी कृष्ण है राधा, ऐसा कुछ भजन में मिलता है तो रास लीला। और फिर वहाँ पर ऐसा भी कथा जो मैंने पहले कहा है कि शिव शंकर जी भगवान भी उसमें रास लीला में भाग लेने के लिए आते हैं। और वहाँ पर वो इस समय अर्ध नारीश्वर नहीं, इस समय पूर्ण नारीश्वर रूप धर कर रासलीला खेल सकते हैं, क्योंकि रासलीला में कृष्ण जी के अलावा सिर्फ महिलाएं जो हैं, जो गोपी हैं, उनका हक है। और आप जानते हैं कि जितने देवतागण हैं, देवियागण हैं, उन्होंने जो गोपी है उनका अवतरण लिया था। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार युगल गीत। अरिष्टासुर का उद्धार तथा कंस का अक्रूर जी को व्रज में भेजना, केशी और व्योमासुर का उद्धार अक्रूर जी की व्रज यात्रा। तो अक्रूर जी अब व्रज में आ रहे हैं, श्री कृष्ण और बलराम मथुरा अब वो जा रहे हैं कंस जी के, कंस के पास। जी क्या लगाना उसके नाम के आगे। अक्रूर का भगवान की स्तुति करना, लेकिन जाते ना हमारा जो आदत है, जी हम रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन कंस को तो बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण का मथुरा में पहुंच जाना, कुब्जा को सीधा करना और धनुर भंग तथा कंस का घबराना। यहाँ पर कुब्जा का भी कथा आता है और भजन में यह भी आता है कि हमने सुना है श्याम कुपजा को तारा, हमने सुना है श्याम कुपजा को तारा, हो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तो भजन का, कीर्तन भजन का यही काम है कि जो कथाएं हैं हमको याद रहे। और जब अब जैसे हम कथा एक एक बतला रहे हैं तो भजन भी याद आ रहे हैं, और यही कीर्तन भजन का काम है। और अगर आप कथा और जानना चाहें तो श्रीमद्भागवत महापुराण उसको आप पढ़ सकते हैं, आप उसको श्रवण कर सकते हैं और कथा जानने के लिए। कुवल या पीड़ का उद्धार और श्री कृष्ण बलराम का रंगशाला में आना।
चानूर, मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कंस का वध। कंस का वध यहाँ पर दशम स्कंद में होता है और चानूर उनका भी यहाँ पर कथा है। श्री कृष्ण का नंद बाबा को संतावना देना, उग्रसेन को अभिक्षित करना और गुरुकुल में प्रवेश, उद्धव जी को ब्रज भेजना, भ्रमर गीत, श्री कृष्ण का कुब्जा और अक्रूर के यहाँ पर जाना, अक्रूर का हस्तिनापुर गमन। तो कंस जैसे अपने पिता जी उग्रसेन उसको हटा दिया था राज्य से, श्री कृष्ण जी के मामा कंस और उसके नाना उग्रसेन। तब हमारे इतिहास में आप जानते हैं कि जब सत्ता पलटा होता है जैसे कंस ने किया था, तो फिर श्री कृष्ण जी आए थे और कंस का आप जानते हैं कि उसको हटाकर जो सही में पद अधिकारी है उसको बनाते हैं। इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दशम स्कंद का उत्तरार्ध, दशम स्कंद का दूसरा ये पाठ है। जरासंध के भय से भगवान का समुद्र के भीतर नगर बसाकर अपने बंधुओं को रखना, मुचुकंद द्वारा काल्यवन का भस्म होना तथा उनके ऊपर भगवान का अनुग्रह करना, जरासंध को चकमा देकर बलराम और श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश तथा रुक्मणी का पत्र ब्राह्मण द्वारा पढ़वा लेने पर श्री कृष्ण की उस पर स्वीकृति, रुक्मणी हरण, शत्रु पक्षीय राजाओं को जीत लेने के बाद रुक्मणी को कुरूप बनाकर छोड़ देने पर श्री कृष्ण का द्वारका में रुक्मणी से विवाह करना। तो यह बहुत सुंदर कथा है कि रुक्मणी श्री कृष्ण जी का विवाह की कथा यहाँ पर है। प्रद्युम्न जन्म और शंबासुर वध की कथा, प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी के एक पुत्र, बड़ा ही सुंदर नाम मुझे लगता है प्रद्युम्न। मिथ्या अभियोग लगने पर सैमंतक मणि का भगवान श्री कृष्ण द्वारा अन्वेषण तथा जाम्बवान का सत्रजित की कन्या के साथ विवाह। यहाँ पर जो सैमंतक का मणि है भगवान के ऊपर मिथ्या दोष लगता है, और मेरे ख्याल से मैंने शायद कथा कहा होगा चंद्र ग्रहण के समय, वैसा भी मानना है कि मिथ्या दोष लगता है अगर आप चांद को देखते हो उस समय, वो अलग कथा है, उसको हम बाद में चंद्र ग्रहण के समय श्रवण करेंगे। सोए हुए सत्रजित को मारकर शत धनवा का सैमंतक मणि के ले लेना श्री कृष्ण द्वारा, शत धनवा का वध, अक्रूर से मणि की प्राप्ति तथा उन्हें पुनः द्वारका में बसाना, कलिंदी आदि पांच कन्याओं का भगवान द्वारा पाणी ग्रहण करना, फिर विवाह, भौमासुर को मारकर उसके घर से 16,000 राजकन्याओं को अपने घर लाकर उनके साथ भगवान का विवाह करना तथा स्वर्ग से पारिजात को अपने घर उठा लाना। तो श्री कृष्ण जी भगवान जो है वो जैसे मैंने शुरू में कहा था पहले दिन की भगवद गीता में अर्जुन को बतलाते हैं कि सभी कुछ संसार का मैं हूँ और यहाँ पर आकर अपनी लीलाओं करते हैं और धर्म को स्थापित करते हैं। और कई लोग सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं विवाह को लेकर, तो वो तो श्री कृष्ण जी भगवान है। हम जो कथा कह रहे हैं और कई लोग अभी कथा कह रहे हैं, हम तो एक बहुत छोटा अंश उनका कह रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं अपने लिए और जो हमारे सुनने वाले श्रोता हम उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जो हैं वो उनको समझना तो हमारे हमारे इस बुद्धि से बाहर है, वो तो हम कभी करने की कोशिश हम कर नहीं सकते। इसलिए जो ज़्यादा कथाएं होती हैं, जैसे मैंने कहा है कि रामचरितमानस की होती है, श्री राम जी की होती है, और कारण यह है कि बहुत
सरल है और खासकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अति सरल कर दिया है कि रामचरित श्री रामचरित मानस का हम कथा करें और श्री राम का कथा करें, क्योंकि बहुत स्पष्ट है, बहुत इजी है, बहुत आसान है कि श्री रामचंद्र जी हमको बता रहे हैं कि क्या करना है। जैसे एक जो कथा है कि जब श्री राम माता सीता का विवाह होता है और श्री राम जी वहाँ पर बतलाते हैं कि हालांकि यहाँ पर राजा महाराजाओं में अनेक अनेक विवाह करने का प्रथा है, लेकिन श्री राम के लिए केवल एक सीता, और यह हमारे लिए सीख है, हम मनुष्य के लिए सीख। इसलिए श्री रामचंद्र जी का कथा श्री रामचरित मानस इसलिए घर घर गाई जाती है, ताकि बहुत आसान है कि हमको हम सुने पढ़े देखे और जान जाए कि क्या करना है। अब और जब जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री देवी भागवत है, तो ये तो कथाएं है ही सर्वश्रेष्ठ भगवान की, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये ज़्यादा ज्ञान योग में चला जाता है। जैसे कर्म योग हम करते हैं, पूजन पाठ होता है, सभी घर के जितने सदस्य हैं वो करते हैं, काम करते हैं, कर्म योग हो जाता है। भक्ति योग हो जाता है जब जो कीर्तन भजन हम करते हैं और ज़्यादा समय भगवान के निकट बिताते हैं, तो वो भक्ति योग में चला जाता है पूजन पाठ भी। और जो यह कथा विस्तार हो रहा है वो ज्ञान योग की बात है। तो अलग अलग ये चीज़ें हैं, अलग अलग है जो जो लोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। और हाँ, तो श्री राम जी को इसलिए हम अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि पता लग जाता है कि क्या करना है मनुष्य को। श्री राम जी को देख लीजिए, बस उतने ही आपको करना है, बहुत बहुत आसान। तो आगे हम कथा सुनते हैं कि भगवान का रुक्मणी के साथ प्रेम कला, फिर भगवान श्री कृष्ण का पुत्रपात आदि संतति का वर्णन, और अनिरुद्ध के विवाह में बलदेव जी द्वारा रुक्मी के वध की कथा। और जो फैमिली ट्री है मैंने अभी तक नहीं डाला है, मैं डालूंगा, ये बहुत बहुत विस्तार है, कई लोगों ने कोशिश किया है बनाने में, बहुत विस्तार है, जो पूरा वंशावली, चंद्रवंश और जो हमारे श्री राम जी के सूर्यवंश दोनों। उषा के साथ अनिरुद्ध का मिलन, बाणासुर और यादवों के संग्राम में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर की भुजाओं का भेदन तथा महेश्वर ज्वर की स्तुति। तो हम और भीतर हम जाते हैं, ये दसवां स्कंद में हम अभी भी हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये स्कंद है। नृगोपाख्यान, बलदेव का गोकुल में पहुंचकर विरह से व्याकुल नंद आदि को संतावना देना, तदनंतर युवतियों के साथ क्रीड़ा कर रहे बलदेव का यमुना को दंड देना, श्री कृष्ण द्वारा पौंडक और काशीराज का वध, रेवत पर्वत के ऊपर गोपियों के साथ बलदेव का यथेच्छ विहार तथा द्विविध वध, सांभव के विवाह के संबंध में बलदेव जी का कौरवों पर क्रोध करना। तो फिर महाभारत की कथा इसमें आ रहा है। 16,000 स्त्रियों के प्रत्येक घर में भगवान के गृहस्थ धर्म को देखकर विस्मित हुए श्री नारद मुनि की स्तुति। ये मेरे ख्याल से मैंने एक जो मूवी था उसको रखा था नारद जी के बारे में, शायद लास्ट या का था पिछले साल का, तो उसमें बड़ा सुंदर दिखता है जब श्री नारद जी श्री कृष्ण के पास जाते हैं और देखते हैं कि आप जानते हैं कि 16,108 रानियां हैं और हर एक के संग में श्री कृष्ण जी, तो नारद जी देखकर पूरा वो चकाचौंध हो जाते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी को जानना समझना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उनकी जो खास करके लीलाएं हैं, कथा है, उनके उनको सुनकर हमारा जो मन है उसको शांति मिलता है, सुख मिलता है। आहे ककृत्य से निवृत्त हो भगवान के सुधर्मा सभा में पहुंचने पर जरासंध द्वारा कैद किए गए राजाओं को
के दूत का आना, उद्धव की सलाह से भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ जाना, युधिष्ठिर द्वारा राजसी यज्ञ का आयोजन तथा जरा संध का वध। फिर जो भजन कहता है, जरा सिंध शिशुपाल को सिधारो, मेरो बारो सो कन्हैया कारी काम रिवारो, मेरो बारो सो कन्हैया कारी कार रिवारो। और फिर आता है, इसे ख्याल आ रहा है, हो रावण जस जोधा हमारा, कंस मार हरिवंश उजाड़ो, मेरो बारो सो कन्हैया कारी काम रिवारो। कारागार से मुक्त हुए राजाओं के विदार, भगवान श्री कृष्ण जी का भीम और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में लौटना। और अब आप देख रहे हैं कि ज्यादा जो महाभारत की कथाएं अब श्रवण करने को मिल रहा है। राजा युधिष्ठिर का राजसी यज्ञ तथा अग्र पूजा से के प्रसंग में शिशुपाल का वध, शिशुपाल का भी बड़ा रोचक कथा है। राजा युधिष्ठिर की बड़ी चढ़ी राज संपत्ति को देखकर उसे संतप्त हुए दुर्योधन का मान भंग। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि किस तरह से जो जब हम भगवद गीता की कथा करते हैं उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ को हाँकते हुए पांडवों के साथ वो है, और दूसरी ओर जो है कौरव है, और कौरव खासकर दुर्योधन दुशासन उस वहाँ का कथा होता है। और फिर उससे पीछे जाते हैं कि ये किस तरह से अत्याचार करते थे, और जिस तरह से आज कई जगहों पर हो रहा है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को ज़मीन नहीं देना चाहता। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप जानते हैं किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दुर्योधन तो बता देता है कि सुई के नोक के ऊपर जितना जमीन अटेगा वो भी मैं नहीं दूंगा। तो वह कारण और द्रौपदी का जो ये अपमान करते हैं, यह कारण से महाभारत युद्ध हुआ और उसकी उसकी कथा। और युद्ध से पहले आप जानते हैं बहुत बहुत विस्तार महाभारत का कथा है, वो अलग कथा है। दुनिया का सबसे लंबा कविता है, दुनिया में किसी ने इतना लंबा कविता नहीं लिखा, हमारे वेद व्यास जी को यह श्रेय जाता है। तो यदुवंशियों और शाल्व के महान युद्ध में यदुमान की गदा से मूर्छित हुए प्रद्युम्न का रणभूमि से सारथी द्वारा निर्गमन, अनेक प्रकार की माया जानने वाले शाल्व तथा सौम्यमान का भगवान श्री कृष्ण द्वारा बद्ध दंतवक्र और विदुरथ को मारकर भगवान का द्वारका में रमन करना तथा कुछ दिनों के बाद बलराम जी के द्वारा सूत का मारा जाना। तो श्री कृष्ण जी के साथ बलराम जी जो है बड़े भाई शेष अवतार, वह भी जो कई अधर्मियों का वो सर्वनाश कर रहे हैं। मुनियों के कथानुसार बलदेव जी का बलवल राक्षस को मारना और तीर्थों में भ्रमण करना, भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदामा, जी हाँ सुदामा ब्राह्मण का सत्कार, भगवान द्वारा प्राप्त सुदामा की अलौकिक समृद्धि का वर्णन। सुदामा जी का तो बहुत प्यारा भजन है, मुझे तीन अलग अलग भजन मुझे याद आ रहा है सुदामा जी के प्रति। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा गुनगुनाने की। हो आज द्वारका में चले आयो मित्र सुदामा पाहुना, आज द्वारका में चले आयो मित्र सुदामा पाहुना, मित्र सुदामा पाहुना, मित्र सुदामा पाहुना, आज द्वारका में चले आयो मित्र सुदामा पाहुना। और दूसरा जो है बहुत ही प्रसिद्ध, हो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से
भटकते भटकते ना जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा कृष्ण से मिलने जाए, सुदामा कृष्ण से मिलने जाए, कृष्ण से मिलने जाए सुदामा। तो ऐसा ऐसा भजन बहुत प्यारा है और वहाँ सुदामा जी की तो बहुत अच्छी तरह से कथा, कई लोगों ने कहा है बहुत विस्तार कथा है कि किस प्रकार बचपन में वो मित्र थे, फिर अलग अलग चल दिए। सुदामा जी निर्धन थे, कृष्ण जी के पास गए लेकिन कुछ मांगा नहीं, अपनी पोटली में चावल उनको दिया, श्री कृष्ण जी ने बड़े प्यार से श्रवण किया, फिर उनको उनका भंडार, धन भंडार भर दिया। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रिजवासी आदि सगे संबंधियों का अनेक राजाओं की भेंट। द्रौपदी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपने विवाह की बातें बतलाना, वसुदेव जी का विष्णु यगोत्सव तथा उसमें समागत बंधुओं की विदाई का वर्णन, श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने पिता वासुदेव जी को ज्ञान प्रदान करना तथा अपनी माता को उनके मृत बच्चों को ला कर देना, बहुत बहुत रोचक कथा यह है। आप जानते कंस जो है वो पापी देवकी जी के 6 पुत्रों को मार देता है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी की चमत्कार देखिए, वो उनको लाकर वापस दे देता है। लिखा हुआ है कि माता जी को उनके मृत बच्चों को लाकर देना। सुभद्रा का अपहरण तथा भगवान श्री कृष्ण का अपने भक्त मैथिल राजा एवं श्रुत देव ब्राह्मण के ऊपर अनुग्रह करना, भगवान की वेदों द्वारा स्तुति, वृकासुर के भगवान शंकर का वर देना और भगवान विष्णु द्वारा उसका वध, ब्रह्मा विष्णु और महेश इनमें श्रेष्ठ कौन है इसकी भृगु द्वारा परीक्षा, भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार था, यादवों का जो वंश वर्णन। तो यहां पर अब जाकर दशम स्कंद जो है वह अंत होता है। एकादश स्कंद में अब हम प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद की कथा संक्षिप्त। उन्मत्त यादवों को पिंडारक क्षेत्र में ऋषियों का भीषण श्राप प्राप्त होना, वासुदेव का प्रश्न और उत्तर में नारद का उन्हें राजा जनक और 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना, भगवान विष्णु की माया के बारे में निमि का प्रश्न और अंतरिक्ष का उत्तर, भगवान के नाना विधि अवतारों का विशिष्टात्मक वर्णन, तो श्री कृष्ण जी के श्री हरि विष्णु का के जो अवतार हैं उनका वर्णन कथा यहाँ पर है, वैदिक कर्म का रहस्य तथा युगानुसार भगवान की महिमा का वर्णन, देवताओं का द्वारका में आकर प्रार्थना करना, द्वारका में उत्पात और उद्धव की श्री कृष्ण से प्रार्थना, अवधूत का आख्यान तथा कपोत के वंश का उपाख्यान, अवधूत का अज गरादी से प्राप्त शिक्षा का कथन और पिंगला नामक वेश्या क्या वेश्या का उपाख्यान, कुर रपक्षी आदि से प्राप्त शिक्षा, निष्काम कर्म का श्रेष्ठता और साकाम कर्म की निंदा, ये अब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा आध्यात्मिक भगवद्गीता में जिस प्रकार का ज्ञान है अब थोड़ा थोड़ा उस ओर कथा जाएगा, कि एकादश स्कंद में हमें तथा अर्थात 11वां स्कंद और 12वां स्कंद जो है वो आखिरी स्कंद है। बद्ध और मुक्तों के रक्षण तथा साधु के रक्षण, परमात्मा में अनन्य भाव का महत्व और आत्मज्ञान, हंस
संकादि संवाद यहाँ पर है कथा। अभी भी हम 11वां स्कंद में हैं और यहाँ पर कथा मिलता है कि परम पुरुषार्थ पुरुषार्थ तथा उसके साधनों का वर्णन, सिद्धियों का वर्णन, विभूति वर्णन, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के धर्मों का वर्णन, ज्ञान विज्ञान का निरूपण, भक्ति के साधन तथा यम नियम आदि के लक्षण। विज्ञान की भी यहाँ पर बात है, जैसे मैंने पहले भी कथा है कि कथा कहा है कि हमारे सनातन में से ज्यादातर जो विज्ञान है वह निकला है। कर्म ज्ञान और भक्ति योग का निरूपण, गुण दोष विचार तथा वेद का रहस्य तत्व, संख्यों का वर्णन, भिक्षु गीता का वर्णन, सांख्य योग का निरूपण, सात्विक राजसिक और तामसिक गुणों का निरूपण, इसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, ये सब भगवत गीता की खास ज्ञान है, जो सात्विकता राजसिक और तामसिक ये जो ज्ञान। पुरुर्वा का निर्वेद और सत्संग की महिमा, भगवान का की पूजा का प्रकार, संक्षेप में ज्ञान योग का निरूपण, भगवान या सब ज्ञान हमको अभी 11वें स्कंद में दे रहे हैं। और फिर देखते हैं कि भगवान का अंतिम उपदेश और उद्धव का प्रस्थान, यादव कुल का नाश और भगवान के महाप्रस्थान की तैयारी, श्री कृष्ण का निर्वाण तथा वासुदेव आदि का प्राण त्याग और स्त्रियों का अग्नि प्रवेश, श्री कृष्ण चंद्र के परम धाम गमन के बाद इस पृथ्वी में राजाओं का वर्णन। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है अपने परम धाम वैकुंठ लोक को चले गए हैं। अब इसके साथ हम द्वादश स्कंद में हम प्रवेश कर चुके हैं, 12वां स्कंद आखिरी स्कंद। कथा इस प्रकार से आता है कि करी का दोष बढ़ जाने पर कल्कि भगवान का अवतार राज्य आदि में ममत्व बुद्धि के दोष तथा करी के गुण का वर्णन, प्रलय का वर्णन, पर ब्रह्म के उपदेश से मृत्यु के भय का निवारण, राजा परीक्षित को मोक्ष, जन्म जय का नाग यज्ञ तथा वेदों के निभाग का वर्णन। तो आप जानते हैं अर्जुन सुभद्रा का पुत्र जो है अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र राजा परीक्षित, अभिमन्यु को बेरहमी से छल से मारा जाता है, इसीलिए जब पांडव स्वर्ग की ओर जाते हैं वो राजा परीक्षित को राज्य देते हैं। और फिर जैसे आपने सुना था अभी हाल ही में हमने जो देवी भागवत कथा किया था उसमें आपने सुना कि किस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप मिल जाता है कि सांप के डसने से वो मर जाएगा और फिर उनका पुत्र जन्मजय वो, क्योंकि राजा परीक्षित मारा जाता है तक्षक नाग द्वारा, तो फिर जन्मजय यज्ञ नाग यज्ञ करता है और सभी नागों की आहुति उसमें देता है और फिर उसको वहां पर रोका जाता है मनसा देवी जी के जो पुत्र है उनके द्वारा। तो वो विस्तार कथा है। उसके तत्पश्चात वेदों का जो विभाग है उसका वर्णन, अथर्ववेद की संहिताओं का तथा लक्षण, पूर्वक पुराणों का वर्णन, मार्कंडे जी की तपस्या का वर्णन, मार्कंडे जी द्वारा भगवान की माया का अवलोकन, भगवान शंकर का मार्कंडेय ऋषि को वर देना, पूजा करने के लिए महापुरुष के लक्षण तथा सूर्य के व्यूह का प्रतिमास का पृथक पृथक वर्णन, फिर श्री सूर्य भगवान और जो किस तरह से वह अपनी गति चलते हैं इसके बारे में हमने पहले कथा किया है वो उसका वर्णन, श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषयानुक्रमणिका यथा कर्म, पुराण श्लोकों की संख्या तथा भागवत के दान का महत्व वर्णन। इसी के साथ जो संक्षिप्त कथा मैंने प्रयास
क्या था संकल्प, क्या था कि हम कहें आपके आशीर्वाद से, प्यार से, हमारे श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से वो पूर्ण हुआ यहाँ पर। तो आशा है कि आपको पसंद आया होगा। और क्योंकि इस साल जो तिथि है और दिन है वो मेल नहीं खाया, तो इस प्रकार इसलिए 7 दिवस का यह पावन पुनीत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि आज जो है हम चतुर्थ चौथे तिथि में हैं। और वैसे चौथा तिथि से या दिवस से नवम स्कंद के चतुर्विशो अध्याय, वहाँ से मैंने सोचा था कि विस्तार कथा करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक दिन कम है इस साल तो मैं संक्षिप्त में सिर्फ ये नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय का संक्षिप्त में बता दूं कथा। फिर कल से पंचम तिथि से, हम विस्तार कथा करेंगे श्री कृष्ण जी के अवतार से पूर्व की कथा विस्तार पूर्वक हम करेंगे, या मैंने सोचा है। और श्री कृष्ण जी की आशीर्वाद से रहेगा तो ये अवश्य होगा। तो यहाँ पर नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में कथा है कि राजा विदर्भ के पुत्रों के अनेक शाखाओं में फैले हुए वंश तथा बलदेव और भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति का वर्णन। और आरंभ होता है श्री शुक वाच, शुकदेव जी मुनि जो है वो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण ये श्रवण करा रहे हैं। तो इसमें बहुत डिटेल्ड में, बहुत विस्तार से एक एक जो वंश है उसके बारे में कथा है। फिर कथा आता है कि निमिन्न के प्रसेन और सत्राजित के 2 पुत्र हुए, अनमित्र के द्वितीय पुत्र शिनी से सत्यक का जन्म हुआ। सत्यक के युयुधान एवं सात्यकी ये 2 पुत्र हुए। सात्यकी की कथा महाभारत में और हमारे रेडियो स्टेशन पर आप अगर सुनते हो तो एक महिला ने बड़ी अच्छी संक्षिप्त में महाभारत की कथा कही है, वो बजता रहता है और उसमें सात्यकी का कथा अवश्य सुनने को मिलता है। उसके तत्पश्चात शुफलक से गांधिनी नाम की भार्या में अक्रूर आदि 12 पुत्र हुए, तो अक्रूर जी की कथा भी यहाँ पर है। फिर आगे हम देखते हैं कि पुनर्वसु को आहुक नामक 1 पुत्र और आहुकी नामक 1 कन्या हुई। आहुक के देवक तथा उग्रसेन ये 2 पुत्र हुए, तो आहुक के देवक और उग्रसेन, और उग्रसेन आप जानते हैं कंस का पिता, ये 2 पुत्र हुए। एवं देवक के भी देववान उपवेद सुदेव तथा देववर्धन ये 4 पुत्र हुए। उन चारों की हे राजन धृतदेवा इत्यादि 7 बहनें थी। उन सब के नाम बतलाते हैं कि शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देव रशिता, सहदेवा और देवकी। जी हाँ, देवकी जो हमारे श्री कृष्ण जी की माँ है। ये 6 यवं 7वीं धृतदेवा ज्येष्ठी बहन थी, उसका वर्णन हो चुका है। इस सब के साथ वासुदेव, जी हाँ, श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव ने विवाह किया। और फिर कथा है कि उग्रसेन के कंस, जी हाँ, कंस सुनामा न्यग्रोध कंक शंकु सुहु राष्ट्रपाल सृष्टि तथा तुष्टिमान ये 1 पुत्र थे, तथा
कंसा कंसवती, कंका शुरुम्भु और राष्ट्रपालिका ये कन्याएं हुई, जिससे वासुदेव के छोटे भाइयों ने विवाह किया। तो ऐसा कथा यहाँ पर मिल रहा है। और फिर उसके बाद कथा आता है कि जो माता कुंती की कथा और सूर्य देव की कथा वहाँ पर आता है। और जो पुत्र था सूर्य पुत्र कर्ण, उसका कथा है। और जब कर्ण की बात हम कर रहे हैं, तो अभी मैंने कहा कि रेडियो में बसता रहता है कथा, तो जो मैं सुन रहा था वो है कि कर्ण श्री कृष्ण जी से पूछता है कि मैं जो पांच पांडव है उनसे मैं श्रेष्ठ कभी मैं क्यों हो नहीं पाता, मैं उनसे ज़्यादा बलशाली हूँ, लेकिन मैं क्यों हर बार मैं मात खा जाता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा आप अधर्म के साथ हो। तो कर्ण बतलाता है आप जस्टिफाई करता अपना अधर्म। उसने कहा कि जब कोई मुझे नहीं पूछता था तो दुर्योधन ने मुझे पूछा, मुझे अंग देश का राजा बनाया, या दिया वा दिया, इसलिए मैं उसका साथ देता। श्री कृष्ण जी ने फिर कहा कि दुर्योधन अधर्म करता है, भले उसने तुमको कुछ दिया कुछ किया, लेकिन वह अधर्म करता है, और क्योंकि तुम अधर्म के साथ हो, अधर्मी के साथ हो, इसलिए तुम पांडव से आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा कथा है। और यह जो कथा है इस कलयुग में हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि कई जगह पर हम मनुष्य फंस जाते हैं, हम जानते नहीं हमारा धर्म क्या है, हमको करना क्या चाहिए। जब धर्म नहीं पता रहेगा तब कर्म नहीं पता रहेगा। तो भले आप किसी प्रकार से उसको जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन अधर्म तो अधर्म है, ऐसा कथा मुझे ख्याल आ रहा है। और फिर कथा होता है कि हिरण्यकश्यपु की कथा है। और आगे हम बढ़ते हैं तो शिशुपाल, उसका कथा यहाँ पर है। हिरण्याक्ष फिर और कथा मिलता है कि देव वासुदेव की पौर्वी रोहिणी जो गोकुल में थी, जहाँ पर श्री कृष्ण जी फिर जाते हैं, रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला इत्यादि देव की प्रमुख बहुत सी स्त्रियाँ थी। तो देव की प्रमुख स्त्री थी वासुदेव की, और रोहिणी और अन्य भी स्त्रियाँ उनके थी। फिर बलदेव जी का भी कथा इसमें आता है। और इस प्रकार से बहुत संक्षिप्त में मैंने ये नवम स्कंद का जो पहला भाग है उसको कहा है। और कल जैसे जब पांचवा तिथि पंचम तिथि लगेगा, तो फिर वहाँ से अब संक्षिप्त कथा अब हम नहीं कहेंगे, अब हम विस्तार कथा पांचवी तिथि से हम कहेंगे। आप सुनते रहिए, आप हमको सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं और कीजिए, कथा को और लोगों तक पहुँचाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।